कहते हैं कि जब दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान तमाम मुश्किलों को पार करके और सामाजिक बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं, शायद इनको आपने टीवी पर भी देखा होगा, एनटीवी की चर्चित शो जय संतोषी मां में सीता माता का किरदार निभाने वाली ऋषिका सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऋषिका, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिका, आप बिहार के छपरा शहर से आती हैं और बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर आप मुंबई में एक्टिंग कर रही हैं। आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई ऋषिका? मैं बेसिकली छपरा से हूँ एंड मेरी जितनी भी स्टडी है ग्रेजुएशन तक की वो छपरा से ही हुई है। जी, तो आपने ग्रेजुएशन तक छपरा में पढ़ाई किया, जो आपकी शुरुआती जो शिक्षा थी मेरी वो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वो सब कुछ मैंने। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से किया है? मैंने जियोलॉजी से किया है। अच्छा, जियोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो फिर अचानक से एक्टिंग का ख्याल कब आया? एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी तभी पटना में एक शो होता है ब्यूटी ऑफ बिहार, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि ऋषिका तुम्हें ट्राई करना चाहिए एंड मैंने भी कहा कि चलो करते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो बस मैंने पार्टिसिपेट किया एंड फॉर्चुनेटली मैं विनर हो गई एंड देन फिर छोटे छोटे से ऑफर्स आने लगे लाइक दूरदर्शन से। फिर मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे शोज किए हैं। उसके बाद हमारे बिहार में एक चैनल लॉन्च हुआ था जी पुरवैया, जी चैनल का ही था वो, तो उसके लिए मैंने एक साथ 3 शोज किए हैं, वो भी लीड कर रही थी मैं तीनों के तीनों शोज। और फिर धीरे धीरे यू नो फेजेस वैसे आते हैं कि आप धीरे धीरे काम करने चल जाते हैं और आपको धीरे धीरे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, तो बस दैट्स ऑल, ऐसे ही धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो शुरुआत से ही एक्टिंग करने का मन था या फिर जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ इसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिला फिर आप सोचे कि चलिए एक्टिंग करते हैं? नहीं, एक्टिंग का वैसा कोई क्रेज नहीं था, बस मैं जब छोटी थी तो यू नो बस मैं जब छोटी थी तो क्यूट सी दिखती थी, वैसा था कि थोड़ी अच्छी दिखती थी मैं, तो मेरे फूफा जी पापा सब कहते थे अरे बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, तो मैं भी मिरर के सामने जब जाती थी तो आई फील मतलब ब्लेस्ड कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हीरोइन बन जाऊंगी, वैसा था, बट एक्टिंग मैंने कभी सोचा नहीं था वैसा है। अच्छा अच्छा, स्टार्ट फेज मेरा कभी नहीं था कि मुझे इसमें जाना है, वैसा कभी नहीं हुआ, नेवर। बिल्कुल। अच्छा, जिस शहर से आप आती हैं ऋषिका, वहाँ आमतौर पर लड़कियों के लिए ज्यादा आजादी नहीं होती है, फिर भी आप वहाँ से निकलकर मुंबई पहुंची हैं और मुंबई में आप एक्टिंग कर रही हैं, तो एक छोटी से शहर से निकल करके जहाँ पे एक एक्टिंग का कोई माहौल नहीं है वहाँ से निकल करके आप मुंबई तक पहुंची हैं, तो इस दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपका जीवन संघर्षों से भरा होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम जहाँ रहते हैं ना तो हमारी सोच उतनी ही दूर की रहती है, ठीक है, तो ये सोचना पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे कजन्स क्या कहेंगे, ये हेजिटेशन शुरू से था। बट मैं शुरू से बाहर जाना, मेरी बहनों की शादी बाहर हुई तो हमेशा बाहर जाना आना, तो मेरा जो माइंड था ना वो थोड़ा सा ब्रॉड था शुरू से ही, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड स्टिल अभी भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग सबसे ज़्यादा यही चीज़ सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, और ये सोच के हम परेशान होते हैं और अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स ऑल, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस चीज़ को क्रॉस करके मैं आगे गई। और फैमिली सपोर्ट एक्सट्रीम लेवल की थी मेरी। तो जैसे कि आप एक्टिंग कर रही हैं अभी मुंबई में हैं, तो इस दौरान क्या आपको भी सामाजिक ताने सुनने को मिले? एग्जैक्टली, देखिए स्पेशली किसी की औकात नहीं होती है कि वो आपके सामने बैठ के बोले कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप में वो गट्स नहीं है, बट स्टिल कुछ लोग थे ऐसे जिन्हें लगता था कि ऋषिका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे मैं हूँ, हम 7 बहनें हैं, पापा हैं और मम्मी हैं, मेरा कोई भाई नहीं था, तो बहुत लोगों को लगता था लड़की है शायद नहीं कर पाए, पेरेंट्स के साथ जाके बोलते होंगे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस ये कहती हूँ कि मेरा खाना मैं खाती हूँ, मैं चलाती हूँ, तो किसी को राइट नहीं बनता है कि आप मुझे जज करें कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं कितनी कैपेबल हूँ ये मुझे अच्छे से पता है, दैट्स ऑल। चलिए, अच्छा ऋषिका, जैसे कि आप एक्टिंग करती हैं और ऐसी स्थिति में जब आप एक अपने जीवन की बहुत बड़ी फैसला ले रही होती हैं, क्योंकि एक्टिंग लाइन में आना और उस माहौल से आना जहाँ पे इस तरह का कोई माहौल नहीं है, जहाँ से आप आती हैं, जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है, और आपका जो बैकग्राउंड भी रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ इस तरह का रहा नहीं है, फिर भी आपने एक्टिंग में ट्राई किया
और फिर आप आगे बढ़ती गई। तो ऐसी स्थिति में परिवार का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें, तो आपका परिवार आपको किस तरह से सपोर्ट किया? देखिए मैंने बताया आपको मेरे घर में मेरा कोई भाई नहीं, वैसे मेरे पापा भी अकेले भाई, तो सबसे अच्छी बात ये रही कि हम बहनों के ऊपर और स्पेशली मेरे ऊपर, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, किसी ने कभी प्रेशर नहीं बनाया कि तुम्हें यही करना है। बट हाँ, मेरे पापा को बहुत शौक था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, तो उनको बड़ा शौक था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो मेरी बेटी, बहुत शौक था उनको। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये ट्राई नहीं करना है। अच्छा, हमेशा वो कहते थे कि ये भी होता तो बेटा अच्छा होता। लेकिन जब भी मैं कुछ कंपटीशन में जाती थी, पेपर में नाम आता था, तो पापा बहुत यू नो ग्लैड फील करते थे कि बहुत अच्छा कर रही हो। बट उनके चलते ही मैंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने बीएड भी कर लिया। देखिए मेन बात है कि जहां से आप आती हैं वहां पे इस तरह का माहौल है कि बस गवर्नमेंट सर्विस, इंजीनियरिंग या फिर कुछ इस तरह का? जी, सबका वही शौक था कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ। फीमेल्स के लिए सबसे सेफर जॉब है बिहार में, इट्स टीचर्स जॉब। तो मैंने कहा चलो मैं भी बीएड कर लेती हूँ मैं। और मेरी एक क्वालिटी है, जो भी कही आप वो कहते हैं ना, अपनी बड़ाई खुद से, तो वही कर रही हूँ मैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश रखूँ, इट्स माय पर्सनालिटी, ये मेरी पर्सनालिटी में ऐड है। और ये ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए, मुझे लगा कि चलो इन फ्यूचर शायद मैं टीचर बन जाऊँ पापा को खुश करने के लिए, तो मैंने बीएड भी कर लिया। तो ये सारी चीजें मैं सबको कोशिश करती हूँ कि हर जगह जो इंसान है मैं उसको खुश रखूं। तो एक्टिंग में ऋषिका आपको पहला ब्रेक थ्रू कब मिला? देखिए एक्टिंग की बात करूं मैं, तो मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के बाद जैसे मैंने यहाँ पे दूरदर्शन के कुछ शोज किए हैं, फिर से नवार्ड बैंक के थ्रू दूरदर्शन के शोज आते थे, फिर से जी पुरवैया के शोज आए, तो वो मैं उसको ऐड नहीं करती हूँ, वो मेरे सीखने का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। तो वो सारी चीजें मैं ग्रैब कर रही थी, सीख रही थी मैं। देन कट टू कुछ लोग हैं मेरे बहुत करीबी जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो चाहते हैं कि ऋषिका कुछ अच्छा करे। उन लोगों ने कहा कि ऋषिका तुम्हें अगर यहाँ पे इतना अच्छा मिल रहा है तो तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। आप कॉफी पीते रहिए, ठंडा हो रहा है। या मैं एक्चुअली ठंडी हूँ तो मैं अच्छा नहीं पीती हूँ, आई लाइक कोल्ड कॉफी टू। सो तो मैं मुंबई गई, मैं मुंबई, और मैंने टारगेट पॉइंट रखा था कि नहीं 3 महीने में तो मैं यू नो मैं फाड़ दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। यहाँ पे इतना कर रही हूँ तो वहां पे तो क्या ही क्या कर लूंगी। बट स्टिल जब मैं वहां गई, मैं किसी को नहीं जानती थी। ऐसा नहीं है कि आज मैं काम कर रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि बन जाने के बाद लोग बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देते हैं ऐसा वैसा, किसी को नहीं जानती थी मैं। मैंने गूगल पे स्टार्ट किया सर्च करना ये प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, वो प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, तब मैं मैप लगाती थी और वहां पे पहुंचती थी, फिर मैं ऑडिशन देके आती थी। लकली ये अच्छा हुआ कि जाते के साथ मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, उसमें मेरा हो गया। एक कलेक्टर बहू आता था, दूरदर्शन का ही शोज था वो मैंने किया। वो शो बंद होने वाला था, रैप अप के टाइम पे ही मैं पहुंची थी, तो 4-5 एपिसोड्स मैंने किए। तो यू नो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी कि मुझे तो मुंबई में काम मिल गया। वो मैंने किया, देन फिर से स्ट्रगल लाइफ जो होती है वो स्टार्ट हुई मेरी। रोज ऑडिशन पे जाना, 10 जगह धक्के खाना, मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये हर एक के साथ होता है। क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं है कि इजिली हमें काम मिल जाए। इवन किसी को इजिली काम नहीं मिलता है। अगर आप कैपेबल हैं तभी आपको काम मिलेगा, अथवा एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद आपको छोड़ देंगे, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये चीजें मेरे साथ स्टार्ट हुई, ऑडिशंस देना जाना ये अच्छा नहीं है। और मैं बिहार से हूँ तो आप जानते हैं हमारे साथ र ये प्रॉब्लम होती है, स और श की प्रॉब्लम होती है। तो मैं भी जब गई थी तो अरे कर लेंगे ना, अरे चल जाएंगे ना, ऐसे बोलती थी। अच्छा। मैं है ना, और जब मैं देखती थी ओ माय गॉड ये लोग तो ऐसे बोल, तब मैंने काम करना शुरू किया खुद पे। ऑडिशंस के लिए जाती थी, बट मेरी बहुत ज्यादा खराब नहीं थी क्योंकि शुरू से मैंने किया है काम, तो वो कंट्रोल था। एंड मैं बुक्स बहुत पढ़ने लगी, रोज ऑडिशंस पे जाने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया शोज मिलने लगे, भाभी जी घर पे है, कुमकुम भाग्य, ये सारे शोज किए मैंने। उसके बाद मुझे बहुत बड़ा ब्रेक जो मिलता है, एक एस्टैब्लिश करने वाला ब्रेक, वो मुझे मिला कलर्स चैनल का विद्या, जिसपे मैं विद्या में नेगेटिव लीड कर रही थी मैं। अच्छा। देन वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ, और मैंने प्रूव किया। वहां से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया और नोटिस में आने लगी मैं। उसके बाद बहुत सारे एड्स किए हैं, टाटा कैपिटल के डिजिटल से ऐड किए हैं, स्नैपडील, ये सारी चीजों के एड्स किए हैं मैंने। मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर से आपने शुरुआत किया। बिल्कुल, और ये सबको करना पड़ता है जी।
ये सबको, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लक काम करता है आपका. नो, नेवर एवर, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ. कोई लक काम नहीं करता है. लक का मतलब क्या होता है? LUCK, लक इन द सेंस लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज. अगर आप जो मेहनत है ना वो सही मार्गदर्शन में कर रहे हैं तभी आपका लक काम करेगा. ये नहीं कि मैं बैठ गई और कॉफी खुद से चला जाए मुंह में, ये हो ही नहीं सकता है. सर, इसका आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि आप अपने सोच के बीच में या फिर आप सोशल मीडिया पर भी ये शेयर करती हैं कि हाँ जी सुनिए, हाँ जी, और कुछ मोटिवेशनल आप बोलती हैं. या राइट. तो एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे. श्योर. हाँ जी सुनिए. त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए. राम राम. मतलब ये है कि मैंने सारी ख्वाहिशों को त्यागा. दैट मीन्स अपने पेरेंट्स के पास रहना, वो बहुत यू नो ब्लेस्ड होते हैं लोग जो अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, उनसे बातें करते हैं. वहाँ पे कोई नहीं है मेरे पास, यू नो. अब मेरे सर्कल्स बन गए हैं बट मैं वहाँ अकेली रहती हूँ. ठीक है, मैंने फ्रेंड बनाना शुरू किया तो सारी चीजों को मैंने, सारी चीजों का त्याग किया है तब मैं कुछ बन पा रही हूँ. तो वैसे ही राम जी ने भी सब कुछ छोड़ दिया तभी वो श्री राम बने. जी ठीक है. तो यही है, स्ट्रगल करते रहिए, आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही. तो बड़ी बात कही आपने. अच्छा ऋषिका, जैसे कि आप जैसी कई लड़कियां हैं जो एक्टिंग करना चाहती हैं या फिर इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, आप जहां से आती हैं वहां की भी लड़कियां हैं, बिहार की भी लड़कियां हैं, छोटे शहरों की लड़कियां हैं, गांव की लड़कियां हैं, जो कि चाहती हैं कि वो एक्टिंग करें लेकिन उस तरह का माहौल नहीं बन पाता है या फिर वो अभी भी संघर्ष कर रही हैं. माहौल बना भी है तो वो संघर्ष कर रही हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना? देखिए, ये सिर्फ सोचना कि मैं जाते के साथ काम करने लगूंगी, मुझे काम मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, बहुत लोगों के साथ होता है बट मेरे साथ नहीं हुआ. एंड चीज़ें बहुत इजी हैं और हम ये सोचते हैं ना जैसे कि मैं तो हीरोइन बन जाऊंगी. ये बोलने से नहीं होता है, आपको खुद पे बहुत काम करना पड़ता है. मैं कह रही हूँ ना, मुझे कहीं भी जाना होता है, किसी इंटरव्यू में जाना होता है, मुझे कोई ऐड करना होता है, मुझे जैसे मैं अभी टेक देने जा रही हूँ, मेरा शो चल रहा है, मैं टेक देने जा रही हूँ, फिर भी मैं उस मिरर के सामने, मेरा जो मेकअप रूम होता है मिरर के सामने, मैं अपनी एक बार स्क्रिप्ट जाके जरूर प्रैक्टिस करती हूँ. अभी भी जबकि मैं रेगुलर काम कर रही हूँ, तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. ये सिर्फ सोच के जाना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ मुझे काम मिल जाएगा, तो एक से खूबसूरत लड़कियां घूम रही हैं वहां पे नॉर्मली, तो खूबसूरती मैटर नहीं करता है. आप नवाज को देखिए, वो खूबसूरत नहीं है तो टैलेंट बोलता है. तो आप टैलेंटेड हो ये बहुत जरूरी है. अपने ऊपर खूब काम कीजिए, मेहनती होना बहुत जरूरी है. आप अपने लफ्जों पर कमांड कीजिए, आपकी एक्टिंग स्किल देखिए कि मैं क्या बोलूंगी, किस रिएक्शन के साथ, तो सामने वाले पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड थिंग, मैंने आपको कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये निकाल देना होगा. ये जो थॉट है ना दिमाग से, ये हम निकाल पाएंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे. अच्छा ऋषिका, जैसे कि बिहार के छोटे से गांव से निकल करके आप मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंची हैं और वहां अब आप एक्टिंग कर रही हैं, एक एस्टेब्लिश कह सकते हैं आप वहाँ पे खुद को कर पाई हैं काफी संघर्षों के बाद, हालांकि आपका सफर इतना आसान नहीं रहा जैसा कि आपने बताया अभी. Exactly. तो अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए आगे मैं आपको बताऊं कि प्रियंका चोपड़ा को सब लोग जानते हैं, ठीक है. बॉलीवुड को पहले से बहुत लोग जानते हैं लेकिन नजरिया कुछ अलग था पहले बॉलीवुड को लेके. लेकिन प्रियंका चोपड़ा जब से गई है हॉलीवुड में, आप देखिए एक बॉलीवुड का क्या नजरिया बना है उन लोगों के नजर में. एंड वो इतने अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं कि अब अच्छा लगता है. हॉलीवुड वाले भी कहते हैं कि यार मतलब बॉलीवुड में जो चीजें बनती हैं वो थोड़ी क्लासी बनती हैं, राइट. तो मैं भी उनके धरल्ले पे चलना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती कि मैं हॉलीवुड जाऊं, बट हाँ मैं बॉलीवुड में रह के अच्छा काम करना चाहती हूँ. अच्छा मतलब यू नो, आप सिर्फ लीड करके खुद को प्रूफ नहीं कर सकते हैं. आप इरफान खान जी को देखिए, अब वो नहीं रहे हैं बट स्टिल उन्होंने बहुत काम लीड नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी किया ना उन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा है. आप 5 मिनट का काम कीजिए लेकिन ऐसा कीजिए कि लोगों के जहन में आप आ जाए. तो बस मैं वही काम चाहती हूँ कि एक इम्पैक्ट छोड़ू मैं सामने वाले पे, कि मैं जब गुजरू ना तो कहे अरे यार ये तो इसने इतना छोटा सा काम किया था लेकिन बहुत मस्त किया था. तो मैं वो मतलब वही चाहती हूँ मैं, और एक सोशल मैसेज हमेशा ही चाहती हूँ कि अपने काम के थ्रू छोड़ू मैं. वो नहीं कि काम के लिए. आजकल आप देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उस पर
किस लेवल के काम हो रहे हैं, तो उस लाइन पे तो मैं नेवर कभी चली नहीं सकती। अच्छा। और हमारे जो संस्कार हैं आप तो जानते हैं बिहारी लोग, एक बिहारी सब पे भारी वाली बात हो जाती है, तो मैं बस अपने काम के थ्रू सब पे भारी रहना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। अच्छा, और इसका गांव के छोटे शहरों से निकल करके एक्टिंग की दुनिया में आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो इस चुनौती को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस चुनौती को आप तभी देख सकते हैं जब आप फील करेंगे जी, ठीक है, और आप फील तब करेंगे जब आप जाएंगे, और आप जब जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। यहाँ से बोल के जाना कि चीजें इजी है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। वहां जाते हैं ना जब आप, आपको समझ में आता है ओ माय गॉड ये सामने वाला क्या कर रहा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मुझे करना होगा, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वहां पे जाना, वहां पे जाके ऑडिशंस करना, उसमें सेलेक्ट हो जाना, फिर आप जब सेट पे जाते हैं ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे काम किया था, क्योंकि यहाँ का काम और वहां का काम बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल, जब वहां पे गई मैं, बड़े बड़े एक्टर्स थे, तो मुझे बड़ा हेजिटेशन हो रहा था, यू नो, अप एंड डाउन हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट टेक कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, बट स्टिल आप जब लोगों के साथ रहते हैं, चीजों को देखते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, काम करते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो ये जो चुनौती है ना, ये तभी होगी जब आप अच्छे अच्छे लोगों के संगत में आएंगे, काम करेंगे और अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग जाना चाहते हैं वहां पे, तो चलिए, जैसे कि अब जो बिहार के युवा है जो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके द्वारा दी गई यह जानकारी उनके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, क्योंकि आप भी बिल्कुल वहां तक पहुंची हैं, तो इन सब रास्तों के थ्रू पहुंची हैं, ये आपका एक माध्यम रहा है, एक तरह से आप नीचे से ऊपर गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी ज्यादा उन्हें इस चीज को लेके मदद मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे लोग फेक हैं, बट कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए लोगों को, अच्छे लोगों को सर्च कीजिए। अब तो इंटरनेट ऐसी चीज आ गई है, सोशल मीडिया, जिसपे सारी चीजें अवेलेबल है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑडिशंस के अपडेट्स भी आपको। एक चीज और है कि जैसे कि माहौल खराब होने के पीछे एक और रीजन है कि कई बार ये देखा गया है कि जो लड़कियां हैं संघर्ष कर रही होती हैं फिल्मी दुनिया में जाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, तो आमतौर पे देखा गया है कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि मतलब चरित्र पे धब्बा लग जाएगा, कुछ इस तरह का होगा, तो इससे आप कैसे देखती हैं? देखिए सी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत मैं देखती हूँ ये मीटू आ गया है, ये बहुत सारी चीज आई है, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको खाने की जरूरत है, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हैं, आपको हीरोइन ही क्यों बनना है मुझे बताइए, और आपको ये सारी चीजें 10 साल बाद क्यों याद आती हैं कि आपको किसी प्रोड्यूसर ने हराश किया, आप इंस्टेंट कदम क्यों नहीं उठाती हैं? मुझे इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है, वो कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, देखिए मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहती हूँ, आप अगर इंस्टाग्राम किसी चीज पे देखेंगे, मैं राजनीति वगैरह से बहुत दूर रहती हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसे लोग से बहुत प्रॉब्लम है। एक तो काम कर लेंगे वो लोग, ठीक है, आज वो यूज हो गए और 10 साल बाद कहते मुझे उन्होंने यूज किया, मैं उस टाइम बहुत परेशान थी, अरे काहे का परेशान थी, ऐसा था आपको जाना चाहिए था ना, छोड़ देते आप काम, आपको दोनों मजा चाहिए, एक को तो मैंने कहा ना, राम को श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ा था, तो आपको दोनों मजा नहीं मिल सकता, मम्मी भी मिल जाए और मुंबई भी मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं वहां का खाना जो खाती हूँ उसका अलग फ्लेवर होता है, और मेरी माँ जो बनाती है उसका अलग फ्लेवर होता है, तो दोनों मजे आपको नहीं मिल सकते हैं। तो अगर कोई आपको यूज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप होने दे रहे हैं खुद को यूज, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी बात है, किसी की औकात नहीं है कि मेरे यहाँ पे हाथ रख ले, अगर वहां पे हाथ रखा और मैंने उसको पहली धमकी दी ना, तो वो दोबारा हिम्मत करेगा ही नहीं, आपने यहाँ पे हाथ रखने दी तो वो आगे बढ़ेगा ही, तो मैं सिर्फ सामने वाले को गलत नहीं कह सकती हूँ, देखिए 50-50 चीजें होती ही है, ये ऐसा नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री से हूं तो मैं बोलूं नहीं भाई लड़की है उसके साथ गलत हुआ, ये वो गलती होती है, लड़कियों की भी होती है ऑब्वियसली। अच्छा, तो बिहार के जो गांव हैं या फिर छोटे शहर हैं, तो अब आपको लगता है कि वहाँ के माहौल को बदलने की जरूरत है? देखिए अकॉर्डिंग टू मी चीजें तो बहुत बदल रही हैं, जैसे बदल भी रही हैं, बदल भी रही पहले से काफी सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, इवन मैं देखती हूँ, अगर अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पे लड़कियां ये लड़के गांव के जो है वो कितने ज्यादा एक्टिव है, इवन जितना मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ, मैंने इंस्टा खोला और वो फटाफट रील्स आते गए लड़कियां हैं लड़के हैं, मतलब वो पहली वाली बात नहीं रही, और अब क्या है ना, अब लोग अपने लिए
स्टैंड ले रहे हैं, अब वो पहली बात नहीं रह गई कि अब स्टडी नहीं मिल रही है उन्हें, उन्हें वो माहौल नहीं मिल रहा है, वो लोग सब कुछ कर रहे हैं। अब ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। हाँ, आप एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप एक आइडिया दे सकते हैं, बाकी सब लोग अब आजकल यू नो सब सीखे सिखाए पैदे हो रहे हैं बच्चे भाई। अच्छा ऋषिका, आप बिहार की लड़कियों को कुछ और संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, देखिए कहते हैं ना, मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से हार जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। तो स्ट्रीम आपका कोई भी हो, फील्ड आपका कोई भी हो, लड़कियों को स्ट्रांग बनने की जरूरत है। वो कहते हैं ना आधी आबादी, तो हमें ये मतलब फील करना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ लड़कों के ऊपर नहीं है कि आप ही कर सकते हैं, नो। अगर आज मैं ये काम नहीं कर रही होती तो मैं आपकी जगह बैठी होती, क्योंकि मैंने भी मास कॉम किया, यू नो। तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, वो एयर होस्टेस हो तो, वो इंजीनियरिंग में हो तो, वो डॉक्टर्स हो तो, वो एक्टर हो तो, वो किसी भी, इवन टीचर में आप देखिए, हर एक फील्ड में लड़कियां अपना दबदबा जमा चुकी हैं। और ये आधी आबादी जो है ना, ये पूरी आबादी भी होने के कगार पे है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो हर क्षेत्र में लड़के कहां जाएंगे? जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। अब कोई भी काम मतलब वो नहीं है ना कि फीमेल्स के लिए मुश्किल नहीं है, वो हर एक क्षेत्र में जाके काम कर सकती हैं और अचीव कर सकती हैं, वो इतनी ज्यादा कैपेबल है, she is. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे स्टूडियो में आकर के आपने अपना कीमती समय दिया, और बिहार के जो युवा लड़के या लड़कियां हैं जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए आपने संदेश भी दिया। और जो आपका फेमस टैगलाइन है ऋषिका, कि आप बोलती हैं हाँ जी सुनिए, तो उसी के साथ इसका इस शो का हम एग्जैक्टली मैं एक बार और कहना चाहूंगी ये सभी श्रोतागण को, और जो भी न्यू कमर्स हैं वो किसी भी फील्ड के लिए हों, स्पेशली लड़के लड़कियों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, मुश्किलों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं, मुश्किलों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं, और हर किसी को पसंद आऊं मैं वो भगवान नहीं। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिका से बात करने के लिए। तो बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।